नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेनाड्रिल सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बेनाड्रिल सिरप को कैसे लेना चाहिए और बेनाड्रिल सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बेनाड्रिल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेनाड्रिल सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए और जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और नाक बंद होना आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए भी बेनाड्रिल सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बेनाड्रिल सिरप बलगम को पतला करती है और फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बेनाड्रिल सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बेनाड्रिल सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द होना, भूख कम लगना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, कब्ज होना, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स बेनाड्रिल सिरप की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेनाड्रिल सिरप को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। बेनाड्रिल सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर बेनाड्रिल सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर बेनाड्रिल सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलीलीटर बेनाड्रिल सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। बेनाड्रिल सिरप की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बेनाड्रिल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि बेनाड्रिल सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बेनाड्रिल सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और बेनाड्रिल सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेनाड्रिल सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को बेनाड्रिल सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को बेनाड्रिल सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बेनाड्रिल सिरप का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेनाड्रिल सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बेनाड्रिल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।